तो दोस्तों हम लोग अब आए हैं, वो आए हैं हम तो हम आए हैं कहाँ करी स्पाइस फॉर्म होंडा में। क्या होता है यहाँ पे शरण, हम लोग कहाँ आ गए? हम आए हैं स्पाइस प्लांटेशन फार्म। अच्छा, गोवा में है ना? साउथ गोवा, सेंटर ऑफ द गोवा। साउथ गोवा का हम साउथ में पहले गए थे ना, तो हम टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहे थे। साउथ का मतलब ये साउथ और नॉर्थ का मिडिल पड़ता है, सेंटर है ये। तो यहाँ फिर अंदर क्या होगा? यहाँ पे स्पाइस प्लांटेशन है, प्लांटेशन फार्म। प्लांटेशन बेसिकली होता है जब किसी एक ही चीज़ की फार्म होती है, जैसे टी प्लांटेशन है यहाँ पे, स्पाइस का प्लांटेशन है। तो हर जगह हमें स्पाइसेस दिखेंगी अलग अलग तरीके की। मे भी है ना, देखते हैं। पहली बार आ रहे हैं, जाके पता लगेगा क्या है जी। कुछ जैसे बताया कि 500 की कुछ शायद टिकट है अंदर, 500 पर हेड है, और उसके साथ इंक्लूडेड है हमारा, मतलब लंच हो जाएगा। अच्छा, उसमें वेज नॉन वेज दोनों है जैसे बताया है। अभी अंदर जाके देखते हैं और दिखाते हैं, ठीक है? बाकी देखने में तो बड़ा सुंदर नजर आ रहा है ना, व्यू बहुत अच्छा है। हां, दिखाता हूं दूसरे व्यू से। चलो ओके। ओके थैंक यू। दिस साइड ओके। थैंक यू। देखो कितने प्यार से हमारा स्वागत कर रहे हैं, देख रहे हो आप, फ्लावर डाल के। धन्यवाद। व्हाट इज दिस? लेमन ग्रास टी। ओके, मेड अप ऑफ कार्डमम, जिंजर, लेमन ग्रास, गुड फॉर कोल्ड, कफ, माइग्रेन, ट्रेवल सिकनेस। ओके, थैंक यू। हमें ये दिया गया है गाइड, और गाइड हमें घुमाने जा रहे हैं, तो बताने जा रहे हैं यहाँ के फॉर्म। मैं आपके साथ रहूँगा, और आपको टूर स्टार्ट करने से पहले फार्म के बारे में बता देता हूँ। सहकारी नाम है मालिक का, प्राइवेट फार्म है, माधव सहकारी प्रॉपर्टी का बॉस है। और जो टूरिस्ट के लिए एक 20 ईयर उन्होंने फार्म ओपन किया, 99 उन्होंने ओपन किया था। 130 का प्रॉपर्टी है, मैं लेके जाऊँगा, छोटा सा एरिया है, 2 एकड़ का। सरकर मार के चक्कर मार के आ जाएंगे। सबसे महंगा केसर हमारे पास तो नहीं है, कश्मीर में होता है ना, तो स्पेन में होता है। यहाँ वेनिला, दालचीनी, इलायची, लौंग, काली सब मसालों का पेड़ वो हमारे पास यहाँ होता है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये पेड़ में ऊपर बीन्स लगे, ब्लैकिश कलर होगा, रेडिश कलर, छोटे छोटे बीन्स लगे, कॉफी के बीन्स है। अच्छा, कॉफी दो तरह का होता है, अरेबिका भी होता है, एक रोबस्टा भी होता है। हम अरेबिका भी होता है। अच्छा, वो आपको जो मार्केट में नाश्ते मिलेगा वो मिलेगा ये वाला। ओके, हाँ, रोस्ट करके पाउडर बनाते हैं कॉफी का। एक कॉफी का पेगा, आप चलते समय नीचे थोड़ा संभाल के, बीच बीच में पाइप्स है, स्प्रिंकलर्स है, पत्थर है, तो आप लोग ध्यान रखो। और चलते समय थोड़ा भी साथ में किसी को भी फोटो भी खींचना चाहिए। हमारे ट्रिप खत्म हो गया तो आपको चंदर घूम सकते हैं, किसी को भी रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है, लेकिन टूर में थोड़ा सभी साथ में ठीक। लेकिन हाँ, दालचीनी का होता है, छाल होता है, बार फिर इसको रेडी होने के लिए कम से कम 12 से 15 साल लगता है। पेड़ को काट कर छाल उतारा जाएगा, लकड़ी होगा, दालचीनी, और जो पत्ता होगा दालचीनी का, मार्केट में क्या करते हैं, तेज पत्ते के नाम से बेचते हैं ये वाला, और इलायची के भूसे से। अभी इलायची का सीजन नहीं है, ऐसा दम के ऊपर ही फैलेगा, शूट्स मिलेगा। और भी दो तरह का मिलेगा, छोटा एक बड़ा, ग्रीन एक ब्लैक। हमारे पास छोटा इलायची, बड़ा इलायची, हमारे पास इलायची का दाने होते हैं, सीड्स होते हैं, डिप्रेशन होता है, एंटी डिप्रेशन लगता है। छिलका होगा, लोग क्या करते हैं, छिलका निकाल के फेंकते हैं, फेंकना नहीं चाहिए, यूज़ करना चाहिए, मेमोरी एनहांस भी अच्छा होता है। सभी जानते हैं सुपारी, सुपारी के बारे में सभी जानते हैं। अच्छा, जो पानी वाला खाते हैं, लेकिन ये दिखा, ये पतले वाले पेड़, ये ऑरेंज वाला है ना, वो रहा ये ऊपर। सुपारी आपने सुखा हुआ खाया ना, उसका डाइजेशन अच्छा होगा, जो फ्रेश रहता ना, कच्चा रहता है ना, वो खाया ना, वो नशा देता। अच्छा, वो खाते हैं उसके बारे में, इसलिए लोग क्या खाते हैं, पान दाल खाते हैं। और पेड़ पे ना ऐसे रिंग्स रहते हैं, उसे उम्र पता चलेगा, 1, 2, 3, ये 3 ब्लॉक मीन्स 1 साल। अच्छा, ओके, 2 साल में 6, 3 साल में 9, ऐसा पेड़ को उम्र पता। ओ, अच्छा, ये जायफल है, आगे बता देता, ये नींबू की तरह पकेगा, नीचे से ब्रेक हो जाएगा, खुल जाएगा, इसमें 2 मसाला होता है, जायफल और जावित्री। जावित्री उसका कवर होता है, दोनों को सेपरेट करके सुखा के बाद में आते हैं। थोड़ी कंट्री में क्या किया, जायफल को बैन किया, क्योंकि ड्रग की तरह काम करता है। बच्चे पहले ज्यादा रोते तो माँ क्या करती थी, जायफल घिस के दूध मिला के बच्चों को खिला देता, बच्चा सो जाता है। डेली यूज़ किया, एडिक्शन होता, आदत पड़ी जाती है। कभी कभी यूज़ किया, डायरिया का अच्छा है, गर्मी भी देता है, डेली यूज़ किया, आदत पड़ जाती है। जस्ट लाइक मैरिजुआना, ये कोको
चॉकलेट्स। ओके कोको। कोको ब्राजील अफ्रीका वो साइड में ज्यादा होता है। ये फल बहुत बड़ा होगा, पकने के बाद येलोइश कलर बन जाएगा। उसके अंदर बीन्स होते हैं, मीन्स कॉफी के बीन्स की तरह। इसमें 30-40 बीन्स होगा। हम प्रोसेस बनाते हैं जो कोको पाउडर बनाते हैं, बाद में तो चॉकलेट बनती है। इलायची था, अदरक था। चाय तो गर्म लेमन ग्रास का करता है, बॉडी को ठंडा रख देता है। इलायची डाला था माइग्रेन के लिए, अदरक काफी वेरी रिफ्रेशिंग थी। उसका हम ऑयल भी निकालता है, लेमन ग्रास ऑयल। आपको स्किन पे पिंपल आता है, दाग होता है, एक्ने के डायरेक्ट लगाने का बादाम के तेल में मिक्स करके अप्लाई करते हैं। लेमन ग्रास का रूट्स यूज करते हैं कि लीव्स यूज करते हैं? लीव्स एक्सट्रैक्शन ऑयल के लिए, नॉट फॉर ऑयल, फॉर ड्रिंकिंग और पुटिंग इन द टी। पत्ते के साइड में ना छोटे छोटे फल लगे, ग्रीन कलर होता है, रेडिश कलर होता है, दिख रहा है सभी को? हाँ, छोटे छोटे दाने दाने, ब्लैक पेपर हो काली, पत्ते के साइड में सभी जगह कलर है। उसमें टोटल चार कलर आएगा, ग्रीन, रेड, व्हाइट, ब्लैक। मान देती है अभी इसमें आपको ग्रीन कलर दिखा, वही पकने के बाद रेड कलर बन जाएगा। दोनों को सेम से निकाल के नमक के पानी में तो धीमे कलर डाल के रखो, कलर वैसा रहेगा। व्हाइट से रेड निकाल के बॉइल करते, ऊपर का सीन हट जाएगा, अंदर बचेगा दैट इज व्हाइट कलर। आपने निकाल के सुबह इसे बिकेम ना ब्लैक कलर, ब्लैक स्पाइसी होगा, व्हाइट माइल्ड होगा, ग्रीन है इंटरमीडिएट। सब यूजर्स सबके सेम ही होते हैं, कैसे यूज है उसके डिपेंड, अलग अलग यूज है। व्हाइट के ऊपर आई साइड फ्लैश है, और जो ब्लैक के ऊपर होता है आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, एसिडिटी होता है। उसके लिए कप चाय ले लो, चाय बनाते उसमें क्या कर लो, दो काली मिर्च डालने का क्रश करके, और सुबह ब्रेकफास्ट करने से पहले पीने का, पेट में साफ हो जाएगा। और ग्रीन और रेड होता है पिकल में, सॉसेज में, पिज्जा में। ये देखिए प्रोसेस, हम काजू के बारे में तो सभी जानते हैं। एक्चुअली यहाँ नीचे में एक सीड रहता है इस तरह का। अच्छा, वो काजू ऑलरेडी सफेद थे। अच्छा, वो काजू डाइट ही नहीं खा पाएंगे, क्योंकि बाद में किसी ने खाया तो मुंह जल जाएगा। अच्छा, उसमें एसिड होता है। अच्छा, ये फल खा सकते हैं, फल जूसी होता है। अच्छा, और काजू और फल से ना अल्कोहल बनाते हैं, फेनी। आप लोगों ने सुना है? हाँ जी हाँ। किसने टेस्ट किया फेनी? किया किया। किसी को टेस्ट करना है तो मुझे बोलो, मैं आपको दूंगा। सूर खत्म अभी नहीं, सूर खत्म होने के बाद, क्योंकि मेडिसिन दवा की तरह दूंगा। अच्छा, एक फॉल हम लोग पहले क्या करते थे, यहाँ ना अच्छे अच्छे ठीक है, यहाँ इकट्ठा करके पाँव से दबा के बाद में उसको जूस निकाल। अभी तो मशीन यहाँ से फैनी बन के तैयार होती है, गोवा में कहा हर जगह मिलेगा, उर्रा के लेंगे और जूस दोनों मिला के सेकेंड टाइम डिस्टिलेशन होगा, उसको कहते हैं फेनी। फेनी में 40-42% आपने गला साफ हो जाएगा, खून अंदर जाड़ा होता है वो भी पतला करेगा, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी। हाँ, खाने से पहले पिया आप ज्यादा खाना खा सकते हो, वो बढ़ा देता है 20 मल पिया। खाने के बाद थोड़ा क्या गला पीला साफ करेगा, और भी छोटा 20 मल ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा पिया तो खाना बिना कुछ नहीं, लोग तो हाँ में अलग बात होता है। पहले गोवा में ना फेनी एज मेडिसिन ही बनाया था, लेकिन अभी मेडिसिन के उसमें तो कुछ फायदा उन्होंने और भी किया होगा ना, एल्कोहल वगैरह या एक्चुअली पहले नेचुरली बनाया जाता था, अभी जो मार्केटिंग में कुछ मिला के पहले जो बना था इट्स लाइक अ मेडिसिन। अभी मशीन पहले पैर से दबा दो। अच्छा, ये जो प्रोसेस वाला आप सिस्टम बता रहे हैं, इसमें जो बीच में जो एसिड बता रहे हैं जो रहता है उसके काजू में एसिड, वो बॉइल बता देता हूँ।
ये पता स्मेल करो और शेयर भी करो सबसे पास करो जान स्मेल करो इधर 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 यहां ना जरूर ओ है यार कड़ी पत्ता नहीं नहीं संतरे का कुछ लग रहा है लेमन यार मेहंदी लग रही है पान लग रहा है मसाले का स्मेल नहीं आ रहा हाँ मसाले का आ रहा है कौन सा मसाला है इसके कोई ऑयल बनता है ना नहीं नहीं मसाला लॉन्ग है मेहंदी सिनेमन ये किसी ऑयल में ऐसे इंग्रेडिएंट होता है यहाँ पे नहीं बेटा टीटरी तो नहीं है ये टीटरी नहीं 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 वो तो नीम का वो नीम जाना पैसा लग रहा है लेकिन बताने का थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है कि उसका नाम ऑल स्पाइस फाइव स्पाइस के नाम से भी जाना जाता है उसमें फल लगता है देखने में ब्लैक और काली मिर्च जैसा हम फल को क्या करते हैं सुखा के जो पाउडर बनाते हैं एक फल आपको पांच टेस्ट देगा दालचीनी इलायची लौंग काली मिर्च और जायफल पांच टेस्ट आएगा मिक्स लाइक गर्म मसाला अच्छा हम गर्म मसाला कैसे बनाते हैं सभी मसाला मिक्स किया पाउडर बन गया उसको हम गर्म मसाला कहते हैं जी देखने क्या है नेचुरल ट्री है आपको अरोमा भी देगा टेस्ट भी देगा उसके ऑल स्पाइस चाइनीज क्यूजिन में ज्यादा यूज करते हैं उसको अच्छा अच्छा ओरिजिनली वो जमैका का है उसको जमैकन स्पाइस कहते हैं ना तो जमैकन पेपर का है ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं इसका कि नहीं ऑयल एक्सट्रैक्शन और ये स्पेसिफिक टू गोवा नहीं नहीं फ्रॉम जमैका फ्रॉम जमैका ओरिजिनल ऑयल स्पाइस ऑयल स्पाइस तो इसी को क्रश करके वो थाली में और पत्ता भी ज्यादा बिरयानी में बोला मैं मार्केट तक बड़ी सी है नेचुरल एनेस्थेटिक है एनेस्थेटिक और हमारा ये छोटा सा ट्रिप था यहां खत्म हो गया फार्म में चलते थोड़ी सी हमको गर्मी लगती है हम तक से भी जाता है हमारे पास एक छोटा सा ट्रेडिशन है यहाँ उसका रीजन क्या है यहाँ जो वर्कर्स लोग जो काम करते हैं लोग ना थक जाते हैं लोग क्या करता है पानी में जम ला के ना धो के फ्रेश होके बाद में घर जाते हैं मैं आपको ऐसा नहीं कह सकता फ्रेश हो लगे कुछ जाओ पानी में इट्स नॉट पॉसिबल इसलिए हमने क्या किया ट्रेडिशन को हमने मॉडर्नाइज कर रखा वहाँ जाने से पहले एक मटकी में हमने पानी रखा उसमें दो तरह का ऑयल मिक्स है सिट्रोनेला भी है एक लेवेंडर भी है हल्का सा स्पाइन को परपीट के डालते हैं स्पाइन के ऊपर ही क्यों डालते हैं जब हम चलते हैं हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है ना वो एक्सपांड होता है वापस सेम पोजीशन आने के लिए वो हल्का सा पानी डालते हैं उससे आपकी थकान कम हो जाएगी कपड़े पे दाग स्टेन स्पॉइल तो नहीं पड़ जाएगा तो आप डरो ना ट्रेडिशन फॉलो करो बाद हम रिटर्न जाएंगे देन व्हाई डोंट कायरोप्रैक्टर यूज इट सॉरी कायरोप्रैक्टर दोज हु लाइक ट्रीट स्पाइन एंड जॉइंट्स दे कैन आल्सो यूज नो प्रॉब्लम स्पाइन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो स्पाइन की प्रॉब्लम इससे ठीक हो जाती है ठीक है मजा आ गया यार ठंडा इतना ठंडा लगा सच में है कुछ इसके बारे में।